बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था नर एवं मादा युग्मक उद्भिद संरचना एवं विकास। तो उसमें हमने नर युग्मक उद्भिद की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लेक्चर जो था वो था पुंकेसर और लघु बीजाणु धनी के ऊपर, और दूसरा लेक्चर था वो था हमारा परागकोष के स्फुटन के ऊपर। तो बच्चों, आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जो है लघु बीजाणु जनन के ऊपर। तो मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि जब परागकोष बनता है तो एक सेल होती है जिसका नाम होता है प्रपशु कोशिका। हमने देख लिया था, ये जो प्रपशु कोशिका होती है उसमें एक परिणत विभाजन होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहर वाली कोशिका का नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। बाहर वाली कोशिका का नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जबकि अंदर वाली कोशिका का नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। 2 कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका का काम होता है परागकोष भित्ति बनाना, और जो दूसरी वाली कोशिका होती है उसका कार्य होता है MMC का निर्माण करना। तो इस प्रकार जो हमारे पास परागकोष था उसमें हमारे पास 4 परागपुट या लघु बीजाणु धानियां थी, बन चुकी थी, और इन लघु बीजाणु धानियों में हमने देखा था कि इनमें MMC भरी हुई थी। इनमें MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनमें भरी हुई थी। तो आज का जो लेक्चर है वो इनसे आगे बढ़ने का है, या आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर को। तो आइए दोस्तों, चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं आज लघु बीजाणु जनन, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। देखिए दोस्तों, कि जो हमारे पास लघु बीजाणु धानी थी उसमें MMC भरी हुई थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारे पास ये थी। हिंदी में इनकी बात करें तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं इसमें भरी हुई हैं। जो कैसी होती हैं, ये होती हैं 2N यानी कि द्विगुणित। इन 2N यानी कि द्विगुणित MMC यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का। और लघु बीजाणु कैसे होंगे, हमेशा N यानी कि एगुणित। ये है डिप्लॉयड और ये है हैप्लॉयड। तो परिभाषा क्या बनती है लघु बीजाणु जनन की, जो लघु बीजाणु जनन है उसकी परिभाषा ये बनती है कि परागकोष की लघु बीजाणु धानी में MMC यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से एक MMC के विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक MMC में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा, एक MMC से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघु बीजाणु जनन मतलब इसमें किसका जनन होने वाला है, लघु बीजाणुओं का। यानी कि लघु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का। कितना, एक एमएमसी से 4 क्या बनेंगे, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हमारे पास पता नहीं कितनी MMC थी, 4 लघु बीजाणु धानियां थी उनमें पता नहीं अनंत लघु बीजाणु धानियों में अनंत MMC थी। तो उन प्रत्येक MMC से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इतनी बात हो गई, अब आगे चलते हैं कि जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। किसमें, चतुष्क में, यानी कि वो टेट्राड बनाते हैं। इस चतुष्क के रूप में वो चारों लघु बीजाणु एकत्रित होते हैं। इन चतुष्कों के आधार पर 5 प्रकार बताए गए हैं, या इन चतुष्कों के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला प्रकार आता है
चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय प्रकार, यानी कि इसमें लघु बीजाणु जो होंगे वो एक चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होंगे। मैं संरचना बनाता हूं चतुष्फलक की, बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, ये चतुष्फलकीय संरचना है, ये इसमें लघु बीजाणु हैं, लगने में गुड्डा जैसा लग रहा है जैसे नाराज हो, एक कार्टून बन चुका है। तो ये इसकी चतुष्फलकीय संरचना में, जिसमें सामने से देखने पर हमें केवल तीन लघु बीजाणु नजर आते हैं जबकि चौथा वाला इनके पीछे व्यवस्थित होता है। सामने से देखने पर केवल तीन नजर आ रहे हैं जबकि चौथा कहाँ है, इनके पीछे। तो ये है चतुष्फलकीय टेट्राड या टेट्राएडल टेट्राड, चतुष्फलकीय संरचना हो गई। इसके बाद दूसरा आता है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके, चतुष्फलकीय संरचना। अच्छा, चतुष्फलकीय का मतलब होता है चार, तो इसका आधा करें तो कितना होगा, दो। चतुष्फलकीय का मतलब, यानी चतुष आ रहा है इसमें, चतुष का मतलब होता है चार और इसका आधा करें तो कितना होता है, दो। यानी कि इसके एग्जाम्पल आएंगे द्विबीजपत्री, या चित्र बना लेंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे द्विबीजपत्री पादपों में। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, चतुष चतुष का आधा किया द्वि, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों में। इसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा प्रकार आता है सम द्विपार्श्विक, सम द्विपार्श्विक चतुष्क। इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना देखो, नाम से पता चला समान दो पार्श्व, पार्श्व बोले तो साइड, यानी कि इसमें जो चतुष्क होगा वो समान द्विपार्श्व में स्थित होंगे लघु बीजाणु। ये देखिए, इस प्रकार की संरचना, ये मिलकर चतुष्क बनाएंगे। इसमें समान द्विपार्श्व है, एक पार्श्व और सेकंड पार्श्व, दो साइड है इसके पास। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ रहा है द्वि, द्वि का आधा, द्वि का मतलब होता है दो और इसका आधा करते हैं तो आता है एक, यानी कि इसका द्विबीजपत्री है तो इसका हो गया एक बीजपत्री पादपों में, इसमें एक बीजपत्री पादपों में। क्लियर है इतना? इसका एग्जाम्पल चतुष्फलकीय का आधा किया तो चार का आधा होता है दो, इसका एग्जाम्पल हो गया द्विबीजपत्री, और इसमें द्विपार्श्विक का मतलब है आधा करते ही एक बीज पत्री। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है, वो है हमारा क्रोसिद, तीसरा प्रकार है क्रोसिद। क्रोसिद की संरचना अगर हम देखें तो देखिए, इसमें ऐसी संरचना बनाएगा जैसे उसको आपस में क्रॉस कर रखा हो। जैसे मान लो मेरी एक उंगली है, इस पर दो लघु बीजाणु स्थित हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, तो दो लघु बीजाणु तो इस प्रकार व्यवस्थित होंगे और इसके नीचे के दो लघु बीजाणु ऐसे खड़े आकार में व्यवस्थित होंगे, जिससे सामने की ओर से देखने पर केवल हमें एक लघु बीजाणु दिखाई देगा। तो इसकी संरचना मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमारे सामने आएगी। सामने से देखने पर दोनों लघु बीजाणु नजर आ रहे हैं लेकिन नीचे वाला केवल एक लघु बीजाणु नजर आएगा। थोड़ा सा अंतर है बस इन संरचनाओं में। इसमें क्या हुआ, क्रॉस कर रहे हैं आपस में, दो लघु बीजाणु यूं हैं और नीचे वाले दो लघु बीजाणु खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे के लंबवत पर, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉसित कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्रॉस, हमने आम लिया, आम को हम काट कर खाएंगे, आम को कैसे खाएंगे, काट, तो मतलब इसका एग्जाम्पल आम से संबंधित होगा, लेकिन आम नहीं है तो इसका नाम आता है एग्जाम्पल का, वो है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, नॉट मैंगो, मैंगोलिया नहीं, मैग्नोलिया, हालांकि उसमें शब्द लग रहा है मैंगो, हमने याद वहीं से किया है, मैंगो काट कर खाएंगे, तो क्रोसित का एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। इसके बाद चौथा प्रकार आता है, वो है टी आकार, टी सेप, टी आकार, चौथा प्रकार है टी आकार। इसमें बस थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें कैसी संरचना बनेगी, टी के आकार की, इसी का दूसरा रूप बनेगा। देखिए, ये हमने चतुष्क बनाया, ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु पहले जैसी कंडीशन में होंगे लेकिन इस बार नीचे के दोनों बीजाणु भी हमें दिखाई देंगे, तो ये बन गया टी आकार, ये क्या हो गया, टी आकार। इसका एग्जाम्पल आता है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, टी आकार का चतुष्क किस में पाया जाएगा, एरिस्टोलोकिया में, तो टी आकार से इसका एरिस्टोलोकिया, टी आ रहा है इसमें भी, ऐसे याद हो जाएगा। और इसके बाद पांचवा प्रकार आता है, जो लास्ट प्रकार है,
इसमें टी आकार जैसी संरचना बनाई दे रही है। इसके बाद पांचवा जो एग्जाम्पल है वो है रैखिक लाइनर चतुष्क। तो इसमें चतुष्क के जो सभी चार लघु बीजाणु होंगे वो एक रेखा में व्यवस्थित होंगे। इसमें व्यवस्थित होंगे एक रेखा में, जैसे 1, 3, 4। ये देखिए, ये सभी लघु बीजाणु एक रेखा में स्थित हैं, इसलिए इसका नाम है रेखिक। इसका नाम क्या है? रेखिक। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हम ऐसे याद करेंगे कि एक लड़की का नाम था रेखा, उसने हमें किया फोन और हमने क्या बोला? हेलो। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हेलोफिला। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हेलोफिला। तो पांच प्रकार के चतुष्क हो सकते हैं। एक चतुष्फलकीय है जिसका एग्जाम्पल है, चतुष्क का आधा कर दिया 2, तो द्विबीजपत्री। इसके बाद है सम द्विपार्श्विक, 2, इसका आधा कर दिया 1, यानी कि एक बीजपत्री। क्रॉसित का एग्जाम्पल है मैग्नोलिया, यानी कि हमने मैंगो लिया, उसको क्रॉस करके खाया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मैग्नोलिया, नॉट मैंगोलिया। इसके बाद टी आकार की हम बात करते हैं, तो टी आकार होता है एरिस्टोलोकिया में और रेखिक होता है हेलोफिला में। तो दोस्तों, ये था लघु बीजाणु जनन कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने लघु बीजाणु जनन की बात की है। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा होती है कि एक MMC से या एक द्विगुणित MMC से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्र विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। अब दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये अभी लघु बीजाणु है, पूर्ण परिपक्व परागकण अभी नहीं बने हैं, तो इनको परागकण में कैसे बदला जाता है? तो अगली हेडिंग आती है इसके बाद, परागकणों का निर्माण। तो देखिए, परागकणों का निर्माण कैसे होता है। मान लिया कि हमारे पास 4 लघु बीजाणु हैं, तो ये आपस में एक ऊतक द्वारा आपस में संयोजित होते हैं। ये चारों लघु बीजाणु जो हैं वो एक ऊतक द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस ऊतक का नाम होता है कैलोज। कौन सा ऊतक? कैलोज ऊतक। तो जो लघु बीजाणु है वो हमारे कैलोज ऊतक के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस कैलोज ऊतक को हमें तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो कैलोज ऊतक को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम काम में लेते हैं, जिस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। जैसे ही ये लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं, तो पौधों में क्या होता है, एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है कैलेज, और इस कैलेज एंजाइम द्वारा इस कैलोज ऊतक को तोड़ दिया जाता है, और ये सभी चतुष्क अब पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अपना आकार बदलकर गोल हो जाते हैं। अभी इनका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब जैसे ही कैलोज ऊतक को कैलेज एंजाइम द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो इनका आकार हो जाता है गोल, और इन गोल संरचना को अब लघु बीजाणु की जगह कहा जाता है परागकण। तो दोस्तों, ये हमारे परागकण बन चुके हैं। तो ये थी लघु बीजाणु जनन की क्रिया। सबसे पहले लघु बीजाणु बने, और लघु बीजाणु कैलेज ऊतक द्वारा बंधे होते हैं, जिसको कैलेज एंजाइम की सहायता से तोड़ दिया जाता है और परागकण का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा तीसरा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है, और अगला लेक्चर कल फिर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सतर्क रहें। भारत माता की जय।